हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे बागा पे, जो माउंटेन है, जो क्लिप है, वहाँ पे वॉक करने के लिए। अभी मॉर्निंग में 7 o'clock हो रहा है टाइम, और मैं यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू है, अरेबियन सी है एंड देन माउंटेन्स, और मौसम भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, बादल वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। तो अभी मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा आगे। सो ये देखिए, ये व्यू है यहाँ पे, ये क्लिफ है माउंटेन, यहाँ पे ऊपर सीजन में पैराग्लाइडिंग एंड ऑल होती है, ऊपर थोड़ा सा रिजॉर्ट्स वगैरह हैं, और लुक एट दैट फिशरमैन, ही इज कैचिंग फिशेस, एंड दिस इज अरेबियन सी, हाउ ब्यूटिफुल इट इज, एंड मौसम भी काफ़ी अच्छा है, सुहाना सुहाना। वो देखिए वहाँ पे मैं वीडियोस बनाता था, वो लास्ट में एक जगह है, वहाँ से मैं बताता था ये बागा दिख रहा है आप लोगों को, इधर बागा है, उधर फोर्ट अगोडा है, लास्ट वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था। और ये देखिए कितना डिफरेंट लग रहा है, ये सीजन में ये पूरा फुल ऑफ सेक्स एंड पार्टीज होती रहती थी, कितने हार्ट वगैरह बना के रखते थे, सनबिट लाइन से लगे रहते थे, और इतना क्राउडेड ये बीच है, जो अभी पूरी तरह से वीरान चेंज हो गया है, मतलब आप बोल ही नहीं सकते कि यही बागा है। और यहाँ पे बिस्ट्रो करके एक रेस्टोरेंट है, काफ़ी फेमस है, एंड उधर लास ओलास है, तो सारे रेस्टोरेंट्स एकदम मतलब हटाई दिए हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, लोग भी नहीं है, जो भी मॉर्निंग वॉक के लिए आए वही लोग, दो चार लोग दिख रहे हैं, टूरिस्ट ही नहीं है, तो सब कुछ चेंज हो चुका है यहाँ पे, सब बदल चुका है। यहाँ से सैक स्टार्ट होते थे, वहाँ लास्ट तक एकदम कांदुलिम तक सैक्स थे, लाइन से सैक्स एंड पार्टीज, रात में तो इतना क्राउडेड, और दिन में भी आप बहुत सारे लोगों को देख सकते थे, बट अभी सिचुएशन एकदम अलग है, कोई भी नहीं है, सीजन की वजह से बंद भी कर दिया, इवन ऑफ सीजन में भी ये काफ़ी बिजी रहता था, यहाँ पे काफ़ी लोग आपको देखने को मिलते थे, बारिश हो चाहे जो भी हो, बागा और कालंगुट दो ऐसे बीचेस हैं जो ऑलवेज बिजी रहते थे, बट अभी सब कुछ बदल चुका है, कोरोना वायरस ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे एक ये नदी है जो मिलती है यहाँ पे सी से, अभी ये रास्ता और भी आगे गया हुआ है, बट आगे जाना नहीं चाहता हूँ मैं, बाद में किसी और दिन आपको दिखाऊंगा, बट मैं आपको ये दिखाता हूँ वापस जाने का ये रास्ता है, तो अभी चलते हैं वापस, गाड़ी पार्क कर दी वहाँ लास्ट में, स्टार्टिंग में मैंने, और अभी वापस जाएंगे, फिर गाड़ी लेके फिर रास्ते का भी आपको सीन दिखाऊंगा। और वेदर देखिए कितना ब्यूटीफुल है, बादल काले काले लगे हुए हैं, एंड एवरी बहुत अच्छा फील हो रहा है, एकदम फ्रेश एयर, मॉर्निंग में जो वाइब्स होती है वो आपको एकदम डिफरेंट फील कराती हैं। तो अभी आपको आगे ले चलता हूँ और आगे दिखाता हूँ कि कैसा क्या है गोवा मॉर्निंग में, कैसा लगता है, और लॉकडाउन में तो एकदम ही कैसा लगता है, वो अभी आपको दिखाऊंगा। कैफ़े है ये, और काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है यहाँ पे, अगर रात में डाइनिंग के लिए आप आते हैं, यहाँ पे सीटिंग्स अरेंजमेंट रहता है, और इनकी ये कैनोपीज है जहाँ पे सनबिट्स वगैरह लगा देते हैं, और ऊपर भी बैठने के लिए अरेंजमेंट्स रहते हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू आता है, कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा सजेस्ट करना चाहूँगा, आप कभी भी बागा आ रहे हैं तो इस साइड आएँ, रिवर के इस साइड आएँ, उधर छोड़ के, उधर काफ़ी हैसल वाला एरिया रहता है, अगर वो छोड़ के इधर आएंगे तो काफ़ी रोमांटिक डिनर वगैरह आप कर सकते हैं। सो वो रही हमारी बाइक स्कूटी, अभी हम यहाँ से जाएंगे और आपको आगे का रास्ता भी दिखाएंगे, और ये सब बोट्स हैं, ये लोग मछली पकड़ के आ चुके हैं यहाँ तक। सो अभी ये लोग साइड में जहाँ तक मछली निकाल चुके हैं और मार्केट में जा चुकी हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग काफ़ी, रात में 3-4 बजे ये लोग निकल जाते हैं यहाँ से। तो ये रिवर है जो सी में मिलती है वहाँ पे।
लोगों ने यहाँ पे अपने होटल्स वगैरह रिजॉर्ट्स वगैरह भी रख रखे हैं, जो कि सीज़न में काफ़ी फुल रहते हैं क्योंकि एक टूरिस्ट एरिया है और काफ़ी बिजी रहता है ये एरिया। तो जितने भी इस एरिया में होटल्स एंड रिजॉर्ट्स हैं सारे फुल रहते हैं सीज़न में। तो ये जो स्ट्रेट रास्ता जा रहा है यहाँ से हम राइट लेंगे, जो स्ट्रेट रास्ता जा रहा है ये अंजुना के लिए जाता है और अंजुना रोड पे जाके मिल जाता है। देखिए यही रिवर, और ये नाइट क्लब है, काफ़ी फेमस काफ़ी प्रीमियम नाइट क्लब है गोवा का हैमर्स, जो काफ़ी बिजी रहता है, लोग लाइन लगा के यहाँ पे खड़े रहते हैं, काफ़ी बिजी नाइट क्लब है और बहुत ही अच्छा है। अगर आप कभी आना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर चाहिए। एंट्री फीस अराउंड 3000 है। तो ये जो अभी स्ट्रीट आप देख रहे हैं ये है बागा स्ट्रीट। अभी जिस रास्ते से मैं आया हूँ वो रास्ता अंजुना के लिए जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया, और वो माउंटेन के लिए जाता है। तो ये बागा स्ट्रीट है जो कि कनेक्ट करती है कालंगूट और कांदलिम के लिए। सो इस स्ट्रीट पे आपको लाइन से रेस्टोरेंट्स मिलेंगे खाना वाना के लिए, और नाइट क्लब्स भी आगे काफ़ी हैं और काफ़ी अच्छे प्लेसेस आपको विजिट हैंग आउट करने के लिए मिलेंगे। जब भी आप यहाँ आएंगे तो काफ़ी बिजी और काफ़ी लोगों से खचाखच भरा हुआ ये एरिया दिखेगा आपको। न्यू ईयर में यहाँ तक कि आपको मूव करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। न्यू ईयर या है या 25th of December है, उस दौरान यहाँ पे इतना बिजी रहता है कि सारे रेस्टोरेंट्स और गाड़ियों से रोड खचाखच भरी होती है, आपको मूव करने की जगह नहीं मिलेगी, इतने लोग वहाँ पे आते हैं। और हर सीज़न में हर टाइम ये एरिया फुल ही रहता है ऑलमोस्ट, क्योंकि मेन एरिया है यहाँ का, हॉटस्पॉट एरिया है, टूरिस्ट हॉटस्पॉट एरिया है। और अभी यहाँ से राइट आप ये स्ट्रीट देखने वाले हैं, ये है टीटोज़ लेन। इसका भी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, इसमें भी लाइन से नाइट क्लब्स आपको मिलेंगे, डिफरेंट नाइट क्लब्स जैसे टीटोज़ है, कॉकटेल ड्रीम्स है एंड अदर नाइट क्लब्स ऑल्सो आपको देखने को मिलेंगे। सो ये पूरी स्ट्रेट चली गई है कालंगूट बीच के लिए एंड देन कांदलिम के लिए। तो काफ़ी अच्छे नाइट क्लब्स एंड स्ट्रीट पे काफ़ी अच्छे नाइट क्लब्स और पार्टी के लिए और खाना खाने के लिए आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। तो अभी तो ये काफ़ी डल लग रहा है, बट इट इज़ लिटरली गाइज आई एम टेलिंग यू डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू हैंग आउट। सो अभी हम जा रहे हैं घर, काफ़ी टाइम हो गया है, 8 बज रहे हैं, अराउंड 8 o'clock हो रहा है। सो अभी हम निकलेंगे घर के लिए, थोड़ा सामान लेना है, ग्रॉसरीज एंड ऑल, क्योंकि कल घर के लिए निकलना है रात में। सो अभी थोड़ा सा सामान लेके और फिर हम लोग निकलेंगे। कल सामान सारा ऑलमोस्ट सब कुछ पैक कर लिया है, तो अभी बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो रैपअप करनी है एंड देन हम लोग रेडी हैं जाने के लिए।